गाइस आप सभी ने कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की ट्रेलर के अंदर रेड हल्क को देखा होगा, पर क्या आपको पता है कि ये रेड हल्क कितना ज्यादा पावरफुल है। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो रेड हल्क यानी थर्ड थंडरबोल्ट रूस एक टाइम पे हल्क का सबसे बड़े दुश्मन में से एक था, पर जब उसने हल्क बनने का फैसला किया तो तब हमें रेड हल्क को देखने को मिला था। अगर रेड हल्क की फीट की बात करें तो रेड हल्क ने द वॉचर को तक पंच किया था। अब वॉचर एक ऐसा विंग है जो ऑब्जर्व करता है, इंटरफेयर नहीं करता, पर जब रेड हल्क ने उसे पंच किया तब उसने प्रूव कर दिया कि वो कोई नॉर्मल विलेन नहीं है। इट्स अ फीट ऑफ रिडिकुलस प्रोपोर्शंस, क्योंकि वॉचर को पंच करना किसी भी हीरो के लिए बहुत ही बड़ी बात है। एंड रेड हल्क की पावर को और ज्यादा इंसेन बनाने वाला मोमेंट तब आया जब उसने सिल्वर सर्फर की कॉस्मिक पावर को एब्जॉर्ब कर लिया। एंड सिल्वर सर्फर जो गैलेक्टस का हेराल्ड है उसकी कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करना और उसे ओवरपावर करना रेड हल्क की कैपेबिलिटीज को नेक्स्ट लेवल पर ले गया। इट शोस कि वो सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ पे नहीं बल्कि एनर्जी मैनिपुलेशन में भी माहिर है। अब देखो, हल्क के साथ फाइट करना किसी भी कैरेक्टर के लिए इजी टास्क नहीं होता, पर रेड हल्क ने ब्रूस बैनर वाले हल्क को ओवरहिल कर दिया, व्हिच वाज शॉकर फॉर मेनी फैंस। अब देखो, हल्क अपनी रेज से और ज्यादा स्ट्रांग बनता है, वही रेड हल्क अपनी टैक्टिकल माइंड और शील्ड ब्रूट फोर्स से उसे पीछे छोड़ देता है। अब देखो, हल्क अपने पंच से अर्थक्वेक क्रिएट कर सकता है, बट रेड हल्क ने अपने एक पंच से 9.0 मैग्नीट्यूड की अर्थक्वेक क्रिएट किया था। एंड ये लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन दिखाता है कि रेड हल्क की फिजिकल पावर कितना ज्यादा ब्रूटल और पावरफुल हो सकता है। अब तुम क्या सोचते हो रेड हल्क के बारे में कमेंट्स में जरूर से बताना।